घर का कचरा और घर का गंदा पानी है ना, ये अपने को सिंगरी में नहीं जाने देना है, ठीक है। उसके लिए विकल्प क्या है, विकल्प ये है कि गंदे पानी की निकासी के लिए अपन गड्ढा बना के स्वच्छ बना के पानी को उसी में डंप करेंगे, उसको बोलते हैं सॉक पिट। तो वो अपन सॉक पिट बना के गंदा पानी उसमें डंप कर लें, बचा अपना घर का जो कचरा है ना उसके लिए डस्टबिन अपने को रखना पड़ेंगे। और उसमें अपन दो प्रकार कचरा है अलग अलग करेंगे, उसको अलग अलग कचरे को अलग अलग करेंगे, तो ठीक है। तो ये जो कचरा अपन ने जैसे फैलाया है ना, ये आज अपन एक बार उठा रहे हैं, ठीक है, हमारी समस्या जो है वो तो खत्म हो जाएगी, ये वाला कचरा एक बार उठ जाएगा, लेकिन हमारी समस्या बनी रहेगी अगर तुम लोग फिर दोबारा डालो। नहीं सर, अगर कचरा काट जाएगी तो समस्या होगी नहीं। हाँ, तो वो अब कंटिन्यू आएगी। सिंगरी को लेके हमने एक बड़ी व्यापक कार्य योजना बनाई है, मीडिया के साथी और आप सभी लोग इसके साथ में हैं, जनभागीदारी से, जन सहयोग से, यहाँ के जो मोहल्ले हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उन सभी को हम जोड़ के एक विभिन्न प्रकार की ग्रुप्स हम बना रहे हैं, ताकि वो ग्रुप्स ही अपने क्षेत्र की निगरानी करें, साफ सफाई करें, और हम प्रत्येक घर में कचरा पृथकीकरण करने के लिए कि अलग अलग प्रकार कचरा, जैविक कचरा, अजैविक कचरा, अलग अलग प्रकार के डस्टबिन में वहाँ कलेक्ट करें। जो पानी, निस्तारी पानी है जो सीधा नदी में जाके मिलता है, वो वहाँ पे ना मिले, इसकी रोकथाम करें। तो इसके लिए हम पूरा मिलके सब लोग मिलके एक जनजागरण के साथ, और हम और सहयोग के लिए अपील कर रहे हैं कि जितने भी बचे हुए लोग हैं वो सभी आएँ और तन मन धन से इसमें हमारे सहयोगी बने। बिल्कुल आपने सही कहा, जनभागीदारी के बिना ये काम संभव ही नहीं है, और इसमें जनभागीदारी हमें दोनों प्रकार से ज़रूरत है, आर्थिक रूप से भी इसमें हमें सहयोग चाहिए और शारीरिक और मानसिक रूप से भी सहयोग चाहिए। मतलब यहाँ के जितने नागरिक हैं यदि वो ये ठान लें कि हम अपना कचरा और गंदा पानी नदी में ना जाने दें, तो इससे अच्छी सोच और समझदारी हो ही नहीं सकती।